Hey guys, this is Preeti and welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई पापियन फिल्म के बारे में. ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा है और प्रिजन ब्रेक स्टोरी है, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और 1973 में रिलीज हुई पापियन फिल्म का रिमेक है. इस फिल्म का डायरेक्टर है माइकल नोयर. IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10. रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 52%. गाइस, ये कहानी है हेनरी चारियर की, जिन्हें 1933 में डेविल्स आइलैंड में बंदी बनाया गया था. उन्हें अपना बाकी जीवन वहीं पर ही बिताना था, लेकिन उन्होंने कैसे सिर्फ अपने विल पावर के मदद से खतरनाक ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए वहां से भाग निकले, यही इस फिल्म की कहानी है. पहले हम रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम रियल स्टोरी को जानेंगे. गाइस, ये है हमारे इस कहानी का हीरो मिस्टर पापियन, और ये हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन एक्चुअल में एक चोर है. वो बहुत इजीली किसी भी तिजोरी को लूट सकते हैं. फिल्म के स्टार्टिंग में हम उसे ऐसे ही एक मिशन में देखते हैं और वहां से उसे बहुत सारे डायमंड्स मिलता है. उनमें से 70% वो अपने बॉस को देता है और बाकी पीसेस को अपने पास ही रख लेता है छुपके से. वो जब अपने बॉस से मिलने गया था, वो देखता है वहां पर एक आदमी को वो लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि उन जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही कॉमन बात है. वो घर लौट आता है और अपने गर्लफ्रेंड नेनेट के साथ वक्त बिताता है. उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ सेटल होना चाहती है, एक घर खरीदना चाहती है, तो पापियन उससे सिर्फ 6 महीने का वक्त मांगता है. लेकिन उनका ये प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह होते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है. उस पर आरोप है उसने किसी का खून किया है. असल में लास्ट नाइट वो जब अपने बॉस से मिलने गया था, वहां पर जिस आदमी को वो लोग मार रहे थे उसकी लाश मिली है, और एक आदमी ने पापियन को देखा है वहां पर. तो शायद पुलिस को लगता है वो ही खूनी है, या फिर उसके बॉस ने ही उसे इस मर्डर केस में फ्रेम किया है. बस यहीं से शुरू होती है उसकी प्रिजन लाइफ. उसकी गर्लफ्रेंड नेनेट उसके लिए अपील करना चाहती है, मगर पापियन उसे मना करता है क्योंकि वो जानता है यहाँ पर उसकी अपील कोई काम का नहीं. इस सच वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा एंड होपफुली ही विल सक्सीड. लेकिन उसे नहीं पता इसमें कितना वक्त लगेगा, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके लिए वेट करने से मना करता है. नेक्स्ट डे उसे और भी हजारों प्रिजनर्स के साथ शिप में पेनल कॉलोनी इन फ्रेंच गियाना की तरफ भेजा जाता है. इस जर्नी में उसे एक साथी मिलता है जूलोट नाम से, और वो उसे एक लुइस डीगा नाम के व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्म करता है. ये व्यक्ति एक मिलेनियर है, काफी फेमस भी, लेकिन वो एक फॉर्जर है. ये व्यक्ति अभी भी इस जेल में भी अपने साथ पैसा कैरी कर रहा है अपने शरीर में, और उन पैसों पर बहुत लोगों की नजर है. शिप में पापियन उसे अप्रोच करता है, अगर डेगा उसे पैसा देता है तो वो उसका सेफ्टी इंश्योर कर सकता है, मगर डेगा नहीं मानता. उसे लगता है उसे पैसा देने से बेहतर है वो किसी गार्ड को दे. पापियन उसे और कुछ नहीं कहता, लेकिन उसी रात डेगा के बिल्कुल पास जो आदमी सो रहा था उसका खून हो जाता है क्योंकि किसी को पता चल चुका था उसने अपने पेट के अंदर पैसा छुपाया है, और यहाँ के गार्ड्स को भी इस बारे में सब कुछ पता है. इस हादसे से डेगा बहुत डर जाता है, और सुबह होने के साथ साथ वो खुद जाकर पापियन से मदद मांगता है. उसे बस सेफली आइलैंड तक पहुंचना है. उसका अपील का काम चल रहा है, कुछ दिनों में वो जरूर फ्री हो जाएगा, लेकिन तब तक उसे जिंदा रहना है. इसके बदले में पापियन को यहाँ से भागने में जितना भी पैसा चाहिए होगा वो डेगा प्रोवाइड करेगा. डील इज फाइनल. पापियन उसका बॉडीगार्ड बन जाता है, और उसी रात वही सेम आदमी डेगा पर भी हमला करता है, मगर पापियन उसे सेव कर लेता है. नेक्स्ट डे वो लोग कॉलोनी में पहुंच चुके थे. जूलोट अपने आप को घायल कर लेता है जिससे उसे हॉस्पिटल जाने का मौका मिले, और वहां से वो भाग सकता है. डेगा और पापियन इस कॉलोनी में रहना शुरू कर देते, मगर यहाँ पर रिस्क और भी ज्यादा है. उनके चारों तरफ खतरनाक क्रिमिनल्स थे जिनके लिए किसी का खून करना बहुत ही आम बात है, लेकिन यहाँ के वार्डन भी काफी स्ट्रिक्ट है. पहले दिन ही वो कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर देते हैं. अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे 2 साल के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट में 5 साल के लिए, और उसके बाद उसे नोटोरियस डेविल्स आइलैंड में ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है. और अगर किसी ने खून किया तो सबके सामने उसका सर काट दिया जाएगा. पापियन सब कुछ सुन रहा था, मगर वो अंदर ही अंदर भागने का प्लान भी बना रहा था. लेकिन वो जानता है यहाँ से कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत बहुत टफ होने वाला है. उन्हें यहाँ पर बहुत लेबोरियस काम करना पड़ता था. इसी काम के सिलसिले में पापियन की मुलाकात होती है एक बोटमैन से, जो उसे बहुत सारे पैसों के बदले में यहाँ से निकलने में उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है. वो रात में बोट लेकर उनके लिए वेट करने वाला है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है, उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएगा.
पापियन राजी हो जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ के और कुछ प्रिजनर्स को पता चल चुका था डेगा अपने शरीर में पैसा छुपा कर रखा है। तो एक आदमी उसे अप्रोच करता है उसे पैसा देने के लिए, ना मानने पर वो डेगा को थ्रेट भी करता है, लेकिन इस बार भी पापियन ही उसे सेव कर लेता है, मगर वो खुद भी घायल हो चुका था। और ये सब कुछ देखकर डेगा भी अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। वो समझ चुका था उसकी वाइफ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर वो कुछ करना चाहेगी भी तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। पापियन के बिना वो यहाँ पर एक दिन भी नहीं रह पाएगा, ये डेगा समझ चुका था। तो वो भी पापियन के साथ ही भागने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है जुलोट जो अभी तक हॉस्पिटल में था उसने भागने की कोशिश की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उसे सक्सेस नहीं मिला। लेकिन इस चक्कर में उसने दो गार्ड्स का खून कर दिया था एंड एस डिसाइडेड उसे डेथ सेंटेंस मिला है। अभी सबके सामने उसका सर काट दिया जाएगा। उसे सबके सामने लाया जाता है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, विजिबली उस पर बहुत टॉर्चर किया गया था। उसकी हालत देखकर पापियन भी इमोशनल हो जाता है। उनके सामने ही उसके सर को धर से अलग कर दिया जाता है और वहाँ पे मौजूद ऑफिसर्स पापियन और डेगा को ही इस लाश को वहाँ से हटाने के लिए कहते हैं। डेगा एक बहुत ही डेलिकेट पर्सनैलिटी था, उसके लिए ये सब आंखों के सामने देखना ही इंटॉलरेबल था और उसी लाश को कैरी करना है इम्पॉसिबल। लेकिन पापियन उसे समझाता है उनका दोस्त जुलोट मर चुका है और ये सिर्फ एक हार मांस का पुतला है और कुछ नहीं। वो लोग उस बॉडी को लेकर आगे बढ़ते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही डेगा नीचे गिर जाता है और उसका चश्मा कहीं और गिर जाता है। चश्मे के बिना वो कम्प्लीटली ब्लाइंड था। वो अपने चश्मे को ढूंढने लगता है, उधर पापियन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। इससे पहले ही वहां पर एक गार्ड आ जाता है और डेगा को ब्रूटली व्हिप करने लगता है। पापियन उसे रोकने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर वो गार्ड व्हीपिंग बंद नहीं करता। डेगा वैसे ही बहुत वीक था और उसके शरीर से खून बह रहा था, तो पापियन और सहन नहीं कर पाया और वो एक पत्थर से उस गार्ड पर हमला कर देता है। पता नहीं वो गार्ड बेहोश हो चुका था या फिर मर चुका था, पापियन को कुछ भी देखने का समय ही नहीं मिला। बाकी गार्ड्स को इस हमले के बारे में पता चल चुका था और वो लोग इस तरफ ही आ रहे थे, और उन्हें आते देख पापियन वहां से जंगल के अंदर भाग जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता, लेकिन रात में हम उसे नदी किनारे देख पाते हैं और वहां पर वही बोटमैन भी प्रेजेंट था। पापियन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उस बोटमैन को उस जर्नी शुरू करने से पहले ही पैसा चाहिए था, लेकिन पैसा तो पापियन के पास था ही नहीं। तो वो उस बोटमैन को प्रॉमिस करता है एक बार वो सेफली अपने घर तक पहुंच जाए उसके बाद वो उसे प्रॉमिस्ड अमाउंट से भी ज्यादा पैसा दे सकता है। ये बात सुनकर वो बोटमैन बहुत ही क्रीपी वे में हंसने लगता है और हम देखते हैं पापियन के पीछे कुछ गार्ड्स खड़े हैं, उनके हाथ में बंदूक है। अगर पापियन यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, मतलब उस बोटमैन ने पहले ही गेस किया था पापियन यहाँ पर आ सकता है और उसी मुताबिक उसने वार्डन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वो बोटमैन ये भी कहता है अगर उसे पापियन से पैसा मिलता भी तभी भी वो उसे लेकर नहीं जाता, क्योंकि वार्डन को इन्फॉर्म करने से उसे दुगना पैसा मिलता, मतलब इन एनी वेज पापियन फिर से जेल में ही जाने वाला था। ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, अनफॉर्चुनेटली उस गार्ड की मौत नहीं हुई थी, इसीलिए एस डिसाइडेड उसे 2 साल के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। ये एक साइलेंट जोन है, यहाँ पर वॉन्ट ओनली रूल यही है, कोई भी आवाज नहीं होना चाहिए। एक आदमी कैसे कुछ कहे बिना 2 साल तक रह सकता है, लेकिन यही तो सजा है। यहाँ पर उन्हें दिन में एक बार ही खाना दिया जाता था और वो भी बहुत कम, एक बहुत ही वाटरी लिक्विड जैसा कुछ। कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक पापियन को खाने के साथ एक नारियल मिलता है और एक कागज भी जिस पर लिखा था आज से हर दिन तुम्हें एक नारियल मिलेगा। पापियन समझ चुका था ये उसे डेगा ने ही भेजा है, मतलब उसके वजह से ही उसे मिल रहा है, वो ही इसके लिए पे कर रहा है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, उसे हर दिन नारियल मिलता रहा, पापियन भी खुद को प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन एक दिन जैसे ही उसे खाना मिलता है वहां पर एक गार्ड आ जाता है, उसे किसी कारण के वजह से शक हुआ था, वो चेक करता है और उसे वो नारियल भी मिल जाता है। तभी उसी वक्त वहां पर वार्डन आ जाता है और पापियन से पूछता है तुम्हें ये नारियल कौन भेज रहा था। उसे बहुत प्रेशराइज किया जाता है मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वो वार्डन भी काफी जिद्दी है, वो पापियन का खाना आधा करने का ऑर्डर देता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चला और कुछ महीने बाद हम फिर से पापियन को देखते हैं, वो काफी वीक हो चुका है और शायद थोड़ा सा पागल भी। जब वार्डन फिर से उसे आकर सेम क्वेश्चन करते हैं, इस बार भी पापियन बिल्कुल चुप था, इनफैक्ट वो हंस रहा था। गुस्से में उस वार्डन ने उसे जोर से एक पंच भी किया मगर तब भी वो सिर्फ हंस रहा था। कुछ महीने बाद और एक बार उस वार्डन ने ट्राई किया, उसके सामने खाना रखा मगर फिर भी पापियन से कुछ नहीं जान पाया।
इसके बाद से ही पापियन जिस सेल में रहता था वह कम्प्लीटली अंधेरा कर दिया गया। इतने दिनों तक इस सेल का सीलिंग ओपन था, लेकिन अभी उसे भी बंद कर दिया गया। अभी से उसका जीवन अंधेरे में बीतेगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया गया। और वहां पर हम फिर से डेगा को देखते हैं। उसका लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और वो अभी वार्डन का हेल्पर है, इन्फॉर्मेशन एंट्री करता है। वो हॉस्पिटल में पापियन से मिलने जाता है और उसे माफी भी मांगता है, उसकी वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ा। उसे लगा था पापियन कम्प्लीटली पागल हो चुका है, लेकिन असलियत कुछ और था। पापियन वॉज कम्प्लीटली सेन और वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा था। पापियन और डेगा फिर से यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और इस बार वो लोग और दो प्रिजनर्स को भी चूज करते हैं अपने साथ, और ये दोनों है सेलियर और मैटोरेट। सेलियर उनका पुराना इनमेट था और मैटोरेट से उनकी मुलाकात इसी हॉस्पिटल में हुई थी। डेगा के पास जितना भी बचा कुचा पैसा था उससे सेलियर एक बोट खरीदता है और वो लोग भागने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट संडे एज प्लान्ड डेगा गार्ड्स के ड्रिंक में सेडेटिव्स मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता है और गेट की चाबी भी चुरा लेता है। इसके बाद वो लोग जंगल से होते हुए एक नदी में जा पहुंचते हैं और वहां पर उनके लिए एक फ्री लाइफ वेट कर रहा था। उन्हें बोट तो मिल जाता है मगर वो बोट बिल्कुल टूटा हुआ था। किसी तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे थे मगर अचानक तूफान आ गया। बहुत जोर से बारिश भी हो रही थी। इट वॉज क्लियर ये बोट उन चारों लोगों की जान नहीं बचा पाएगा, तो सेलियर डेगा को मारने की कोशिश करता है, मगर तब भी पापियन डेगा का बॉडीगार्ड था। वो सेलियर को रोकता है तो सेलियर उसे भी मारने लगता है और पापियन को मरते हुए देख डेगा चाकू से सेलियर को स्टैप कर देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और वो लोग लोड कम करने के लिए उसके बॉडी को पानी में फेंक देते हैं, लेकिन समुद्री तूफान भयानक होता है। इसके बाद भी वो लोग खुद को संभाल नहीं पाते और उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। जब उनका सेंस लौटता है तब वो लोग कोलंबिया में थे एक कन्वेंट में। वो तीनों लोग बच गए थे और अपेरेंटली सुरक्षित भी थे और उन्हें लगा था वो लोग अभी फ्री है, मगर कुछ ही समय बाद उन्हें पता चलता है इस कन्वेंट के जो लोग थे वो जानते थे ये लोग प्रिजनर थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उन लोगों ने बहुत पहले ही वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस आने पर ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैटोरेट को शूट कर दिया जाता है और डेगा और पापियन को अरेस्ट कर लिया जाता है। हम फिर से पापियन से मिलते हैं 5 साल बाद। ये उसका सेकेंड अटेम्प्ट था, इसीलिए उसे 5 साल के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। और अभी 5 साल बाद उसे डेविल आइलैंड में ले जाया जा रहा है। अभी से वो वहीं रहेगा। इतने सालों में उसे डेगा का कोई भी खबर नहीं मिली थी, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। मगर डेविल्स आइलैंड में पहुंचते ही उसे डेगा मिल जाता है। पता चलता है वार्डन उससे कुछ ज्यादा ही नाराज था, इसीलिए उसे 5 साल पहले ही यहाँ पर भेजा गया था। दोनों दोस्त फिर से एक बार एक साथ थे। दोनों ही एज्ड हो चुके थे, लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये भी है, डेगा इतने सालों में इस आइलैंड में रहकर इस जगह को ही अपना घर बना लिया था। इसी जीवन से वो यूज्ड हो चुका था और यहाँ से भागने का कोई भी इंटेंशन उसके मन में नहीं था। और वैसे भी वो कहाँ जाएगा, किसके पास लौटेगा? उसके बीवी ने ऑलरेडी उसके वकील से ही शादी कर ली है। यहाँ से भागकर भी उसे छुपकर ही रहना होगा, इससे अच्छा वो यहाँ पर ही ठीक है। दूसरी तरफ है पापियन। वो इतने सालों से सॉलिटरी कन्फाइन में रहकर सिर्फ यही प्लान किया है वो कैसे यहाँ से भाग सकता है, और अभी भी वो यही सोच रहा है। लेकिन यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। आज तक यहाँ से कोई भी नहीं भाग पाया। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही लूज है, क्योंकि वार्डन को भी पता है यहाँ से भागने का मतलब है सुसाइड। ऊंची चट्टानों से घिरा इस जगह की हाइट बहुत ज्यादा है और मेन लैंड यहाँ से काफी दूर है। लेकिन पापियन लास्ट ट्राई करना चाहता है और वो कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है और वो ये देखता है एक बार अगर वो किसी तरह से समुन्दर में जंप कर पाया तो बाकी का रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पानी के फ्लो से वो अपने आप मेन लैंड तक पहुंच जाएगा। वो इस प्लान को डेगा से शेयर करता है और डेगा उसे बहुत ही ज्यादा इनकरेज करता है, लेकिन इस बार वो उसका साथ नहीं दे सकता। वो यहीं पर रहना चाहता है, लेकिन वो पापियन को बहुत हेल्प करता है। वो लोग बहुत सारे नारियल को एक बैग में डालते हैं, जिससे ग्रेजुअली एक राफ्ट बन जाए, और नेक्स्ट सुबह होते ही वो लोग सी शोर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पापियन अपने बेस्ट फ्रेंड को लास्ट गुड बाय कहता है और जंप करता है। अनफॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड। ये उसका थर्ड अटेम्प्ट था और ये कामयाब रहा। नाउ ही इज अ फ्री मैन। साल है 1969 और हम पापियन को देखते हैं वेनेजुएला में। लीगली वो फ्रांस में अभी भी एक वांटेड क्रिमिनल है और वो अभी भी वहां नहीं लौट सकता और वो लौटना चाहता भी नहीं। हमें पता चलता है जेल में उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सहा, सब कुछ के बारे में उसने एक डायरी में लिखा था और अभी वो चाहता है इस डायरी को पब्लिश करना। यहीं पर इस फिल्म की स्टोरी एंड हो जाती है, मगर रियल स्टोरी कुछ हद तक डिफरेंट है।
हेनरी पापियन चैरियर, मतलब जो इस कहानी का रियल हीरो है, उन्होंने खुद कहा है ये फिल्म उनके जीवन से 75% मैच करता है। उनकी किताब पापियन से हमें पता चलता है उन्हें 1931 में रोलैंड लेपिटीट नाम के व्यक्ति के मर्डर चार्ज में अरेस्ट किया गया था और उनकी सजा थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल की हार्ड लेबर। कुछ दिन तक उन्हें फ्रांस में ही एक जेल में रखा गया था और उसके बाद 1933 में उन्हें एक पेनल कॉलोनी में भेजा गया था जिसका नाम है प्रिजन ऑफ सेंट लॉरेंट डी मरोनी। इसी साल उन्होंने यहां से भागने की कोशिश की और उनका साथ दिया एंड्रे मैटरेट एंड जोनस क्लाउजियाट नाम के दो व्यक्ति ने। वो लोग यहां से भागने में कामयाब हुए और कुछ दिनों तक एक कोलंबियन विलेज में छुपे भी रहे, मगर 37 डेज लेटर उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया। लेकिन पापियन नहीं रुका, उन्होंने फिर से एक बार अटेम्प्ट लिया और भागने में और कुछ महीने तक छुपे रहने में कामयाब भी हुए, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें अरेस्ट किया गया और इस बार उन्हें 2 साल के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया। 2 साल बाद वो और 7 साल के लिए इसी जेल में थे। बहुत बार भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। एट लास्ट उन्हें डेविल्स आइलैंड में भेजा गया जहाँ से 1941 में वो भागने में कामयाब हुए, लेकिन रियलिटी में उनके साथ और एक व्यक्ति भी थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो अकेला फ्रेंच गियाना जाकर पहुंचे थे। वहां पर उन्हें और भी कई सारे चाइनीज प्रिजनर्स मिले जो एक साथ भागकर ब्रिटिश गियाना में जा पहुंचे। ऑलमोस्ट 1 साल वहां पर बिताने के बाद वो और कुछ प्रिजनर्स के साथ मिलकर वेनेजुएला जा पहुंचे, लेकिन वहां पर उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया और 1 साल की सजा सुनाई गई। 1 साल बाद फाइनली पापियन को रिलीज किया गया विद आईडी पेपर्स। इसके 5 साल बाद 1949 में फाइनली पापियन को वेनेजुएलन सिटीजन डिक्लेयर किया गया। दोस्तों ये डिटेल्स हमें पापियन नाम के किताब से मिलता है, लेकिन कई क्रिटिक्स का दावा है इस कहानी की ओनली 10% ही सच। इनफैक्ट फ्रेंच ऑफिशियल्स तो इस बात से कम्प्लीटली डिनाई करते हैं कि पापियन कभी डेविल्स आइलैंड में गए भी थे। हेनरी चैरियर्स का आइडेंटिटी को लेकर भी काफी कन्फ्यूजन था, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर माइकल नोयर मेनली पापियन किताब पर बेस्ड करके ही इस फिल्म को बनाया है और ये फिल्म पेनल कॉलोनी इन फ्रेंच गियाना में रहने वाले प्रिजनर्स के लाइफ को बहुत अच्छे से शोकेस करता है। कहा जाता है 80,000 से भी ज्यादा प्रिजनर्स को वहां पर भेजा गया था जिनमें से मैक्सिमम लोग कभी फ्रांस में वापस से नहीं लौटे। लेकिन इस कहानी में जो डेगा नाम के कैरेक्टर है उनके बारे में कुछ खास नहीं पता चला। किताब में लिखा है एक नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स फॉर्जरी केस में डेगा को अरेस्ट किया गया था। अब रियलिटी में 1925 में एक ऐसा केस हुआ था, मगर वहां पर डेगा नाम का कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता। तो मे बी डेगा नाम से कोई कैरेक्टर एक्चुअल में था ही नहीं, मे बी वो 2 या 3 कैरेक्टर्स का फ्यूजन था जिनके साथ पापियन जेल में मिले थे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ उनका इमेजिनेशन था। इवन उन्होंने अपने किताब में डेविल्स आइलैंड का जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो भी रियलिटी से बहुत ही ज्यादा डिफर करता है। लेकिन ये फिल्म उनकी पर्सपेक्टिव बेस्ट है एंड डेफिनेटली वर्थ द वॉच। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी विद ब्रिलियंट एक्टिंग। गाइज मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टाटा।